हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आर एस ब्लॉगर पे। दोस्तों मैंने ढेर सारे वीडियो बनाए हैं, ढेर सारे वीज़ा भी आपको दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पे आज मैं आप लोगों को एक लाइव चीज़ दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल लाइव आप लोगों के सामने। जी हाँ, मेरे पास आया है ये एक लिफाफा। मैं आपको सीधी तरफ से नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उधर मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एनवलप है, बिल्कुल पैक है, और इसके अंदर है मेरा पासपोर्ट। अभी मैंने यूक्रेन का अपना वीज़ा लगवाया है, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे अनबॉक्सिंग, एक तरह की क्विक रिव्यू भी कि कैसे मैंने यूक्रेन का वीज़ा लगवाया और कैसे मेरा वीज़ा मिला और क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंने लगवाए थे जो साथ में अप्लाई करते टाइम, और कितने दिन में मेरा वीज़ा आया। तो चलिए, ये रही कैंची, वो अभी हम लोग काटते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ फटाफट, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। जब तक मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, तब तक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग एक काम करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। यूक्रेन से रिलेटेड मेरे चैनल पे इसी तरह के मज़ेदार कमाल के वीडियोस आते रहते हैं। तो ये हमारा लिफाफा आधा खुल चुका है, बड़ी ख़तरनाक पैकिंग है भाई इसकी, पूरा ऊपर से इन्होंने टेप वेप चिपका करके मुझे भेजा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये ओपन हो चुका है, थोड़ा मुझे ध्यान से इसे खोलना पड़ेगा। इसमें मेरा पासपोर्ट है, मेरा वर्क परमिट है और मेरी कंपनी के पेपर हैं। तो ये लीजिए भाई, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे निकल चुके हैं बाहर। ये रहे मेरी कंपनी के पेपर जो मैंने साथ में दिए थे, ये शायद आपको क्लियर ना दिखे, ये देखिए, ये मेरी कंपनी के पेपर और ये रहा मेरा वर्क परमिट जो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। मैं अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ से और परमिट नंबर हाइड कर लेता हूँ। ये देखें, ये मेरी फ़ोटो, ये मेरा वर्क परमिट, जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए थे वो मेरे साथ में मुझे वापस मिल चुके हैं। ये मेरी कंपनी के पेपर और ये जो कंपनी में मेरी एक्टिविटीज जो जो मैंने ऐड करवाई थी ये उसकी लिस्ट है, और ये मेरा पासपोर्ट। तो अभी चलो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मुझे भी पता नहीं है वीज़ा लगा है या नहीं लगा है। वैसे मुझे पता है मेरा काम कैसा है, इसीलिए 200% मेरा वीज़ा लग चुका है, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो अभी वीज़ा मेरा हो सकता है लगा है या नहीं लगा। ये मेरी फ़ोटो यहाँ पे, अब मैं आपको दिखाता हूँ वीज़ा। चलिए मैं अब आपको अपना वीज़ा दिखा देता हूँ। मैं आपको अपने यहाँ पे नेम, पासपोर्ट नंबर, ये दो चीज़ें जो है हाइड कर देता हूँ। ये देखें, ये रहा मेरा वीज़ा। तो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह यूक्रेन का जो है 100% शॉर्ट वीज़ा लग सकता है। अगर आपको भी यूक्रेन ट्रैवल करना है किसी भी पर्पज़ से, कंपनी फॉर्मेशन से, स्टडी वीज़ा से, और अगर आपको पूरा काम मेरे से करवाना है यूक्रेन का, तो मैं बिल्कुल आप लोगों का बहुत रिलायबल और चीप प्राइस पे कर दूंगा। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। यूक्रेन का वीज़ा अगर आपको चाहिए, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है, फंड नहीं है शो करवाने के लिए, वो भी मैं आप लोगों के बिहाफ पे करवा दूंगा। उसका थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज, बहुत ज़्यादा नहीं, कोई 10-20 हज़ार रुपये नहीं मांग रहा उसके लिए, बहुत ही ना के बराबर। बैलेंस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट और उसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर स्टडी वीज़ा पे हो तो आपका इन्विटेशन लेटर, और उसके अलावा आपका पासपोर्ट ओरिजिनल चाहिए, और आपका हेल्थ इंश्योरेंस, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपका जो है 100% विद इन 10 वर्किंग डेज शॉर्ट वीज़ा लग जाएगा, और जो पहले मैं पेमेंट लूँगा वो 30,000 लूँगा बाकी की पेमेंट वीज़ा लगने के बाद। तो बाकी अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए डिटेल में, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और अगर सिर्फ वीज़ा लगवाना है तो अभी मैं लगवा दूंगा। जैसे कुछ लोग कंपनी फॉर्मेशन किसी और से करवा लेते हैं, अगर कम प्राइस में मिलता है तो गलत भी क्या है उसमें, फिर वो सारे डॉक्यूमेंट इंडिया भेज देते हैं और उसके बाद उन्हें रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ और सिर्फ D04 वीज़ा की। मैं आपको अपना वीज़ा दिखा देता हूँ एक बार, उस पर D04 लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखें आप लोग, ये यहाँ पर D04 लिखा हुआ है। वैसे मैं इसकी फ़ोटो भी डाल दूंगा, मे बी ये क्लियर, ये देखिए, ये यहाँ पर D04 है। तो जो आप लोगों ने देखा, ये मेरा वीज़ा जो है कब से शुरू हो रहा है, ये 13/12/2021 से, यानी कि 13 दिसंबर से शुरू हो रहा है, वैलिड है 12 मार्च 2022 तक। उससे पहले पहले मुझे ट्रैवलिंग करना है और वहाँ पे जाके अपने 3 साल की TRC बनवानी है, क्योंकि मैं अपनी कंपनी का डायरेक्टर हूँ और ये मेरा जो वर्क परमिट था ये भी 3 साल का था। अब मैं आप लोगों को ये बार बार नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें जो है
कुछ बहुत ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। एक बार मैं आपको आखिरी बार दिखा देता हूँ, ये जो है मेरा वर्क परमिट। तो मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए, वीज़ा लगने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वापस आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस की कॉपी को छोड़ करके और एक बैंक स्टेटमेंट की कॉपी को छोड़ के। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों ने लाइव देखा वीडियो में। और ये लिफाफा भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी जो मैंने आपके सामने फाड़ा है कहीं से भी दिया खुला हुआ नहीं था, ये देखें आप, ये देख लें आप लोग। तो ये एनवलप था मेरा, बिल्कुल पैक था, आपके सामने मैंने खोला है और 100% वीज़ा लगा है। अगर आपको भी यूक्रेन के वीज़ा चाहिए, किसी भी कैटेगरी का, चाहे टूरिस्ट वीज़ा ही हो, स्टिकर वीज़ा भी अगर आपको लेना हो, D04, D13, D14 यानी कि स्टडी वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, जो भी वीज़ा चाहिए उसके रिगार्डिंग आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको कंपनी फॉर्मेशन करवाना है, स्टडी वीज़ा पे जाना है, चाहे वो हायर एजुकेशन ही क्यों ना, MBBS हो या बैचलर प्रोग्राम हो, मास्टर प्रोग्राम हो, लैंग्वेज प्रोग्राम हो, किसी के भी रिगार्डिंग आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही हमारे चैनल पर बनाए रखना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। ये उन फ्रॉड एजेंट के मुंह पे तमाचा है जो आपको बोलते हैं कि पूरी पेमेंट आफ्टर वीज़ा करनी है और फिर फेक वीज़ा लगा करके आपको दे देते हैं। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।